हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम आपके लिए लेके आए हैं पोहे से बनने वाला बहुत ही ज़्यादा चटपटा सा, कुरकुरा सा, करारा सा नाश्ता, जिसे आप एक बार बनाकर पूरे महीने स्टोर कर सकते हैं। ये नाश्ता जितना ज़्यादा बनाने में आसान है, खाने में उससे ज़्यादा टेस्टी है, कुरकुरा है, क्रिस्पी है, और दूसरी बात कम तेल का है, और तीसरी बात बहुत ही ज़्यादा लाइट वेट है, क्योंकि ये बनने वाला है पोहे से। तो वैसे तो आपने पोहे के बहुत सारे नाश्ते खाए होंगे, लेकिन एक बार ये वाला बनाएंगे तो बाकी सारे भूल जाएंगे, इसकी मैं गारंटी लेती हूँ। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक कटोरी लिया है पोहा, जिसको चूरा ही बोलते हैं। अगर इसका कोई नया नाम हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। वेट नहीं है, मुश्किल से 5 ग्राम है नाप में कटोरी, आप कब से भी मेजरमेंट कर सकते हैं। तो फ्रेंड, रेसिपी में कुछ भी अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, साथ ही नोटिफिकेशन बेल को ऑन करना, ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन मिल पाए सबसे पहले, और आप हमारी आसान रेसिपी का फायदा उठा पाए सबसे पहले। तो फ्रेंड, यहाँ पे छोटा वाला मिक्सी का जार लिया है। अब इसके अंदर हम डालेंगे 5 से 6 दाने काली मिर्च के, जिसको ब्लैक पेपर भी बोलते हैं। इसको डालने से बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। अब इसमें 1/2 टीस्पून हम डालेंगे साबुत जीरा, और अब इसमें हम डालेंगे 5 से 6 कलियां लहसुन की। अगर आप लहसुन नहीं खाते तो इसको हटा सकते हैं। तो यहाँ पे मेरी पतली पतली थी इसीलिए मैं 5 से 6 डाली, अगर आपकी मोटी है तो आप सिर्फ 3 से 4 डालना। और अब इसमें हम डालेंगे 3 ग्रीन चिली, तो मुझे थोड़ा सा स्पाइसी पसंद है इसीलिए मैं 3 डाली। अगर आप लोग इतना स्पाइसी नहीं खाते, थोड़ा सा कम खाते तो आप इसको 2 डालना। अगर आप बच्चों के लिए बना रहे तो इसको हटा सकते हैं। तो इस तरीके से तोड़ कर डालेंगे। और अब इसमें हम डालेंगे कड़ी पत्ते, जिसको मीठी नहीं बोलते हैं। अगर इसका कोई नया नाम हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और अब इसमें हम डालेंगे मूँगफली, तो यहाँ पर हम 3 छोटा चम्मच डालेंगे कच्ची मूँगफली। और अब इसमें हम डाल देंगे थोड़ा सा नमक, नमक हमें ज़्यादा नहीं डालना है, सिर्फ 1/2 टीस्पून डालना है। और अब इसको हम 1 से 2 बार मिक्सी को चलाकर रोक देंगे और दरदरा पीस कर लेके आएंगे, फिर आपको दिखाएंगे। तो चलिए पीस लेते हैं फटाफट। फ्रेंड देखिए, यहाँ पे मैंने इसको अच्छे से पीस लिया है, और पीसने में कोई भी दिक्कत नहीं होती। इस तरीके से देखिए अच्छे से पीस गया है, क्योंकि मूंगफली में खुद का पानी होता है। फ्रेंड आ गए गैस की तरफ, यहाँ पे एक पैन लिया है, पैन को अच्छे से गर्म कर लेंगे। अब इसमें हम डालेंगे 1/2 टीस्पून तक ऑयल, आप घी और बटर भी डाल सकते हैं। जब ऑयल हमारा हल्के से गर्म हो जाएगा तब इसके अंदर हम डालेंगे 1/4 चम्मच जीरा। तो ये गया हमारा 1/4 चम्मच तक जीरा। जीरे को हम 10 से 15 सेकंड अच्छे से चटकने देंगे, काला बिल्कुल भी नहीं करेंगे। और इसी के साथ इसमें डालेंगे 1/4 चम्मच अजवाइन, अजवाइन जरूर डालना है, इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा, दोनों के कॉम्बिनेशन से बहुत ही अच्छा टेस्ट निकल कर आएगा। तो यहाँ पे देखिए 10 से 15 सेकंड मैंने इसको चटका लिया है। अब अपनी ग्रीन चिली और अदरक इसके अंदर डाल देंगे, और इसको हम धीमी धीमी आंच पर अच्छे से 10 से 15 सेकंड भून लेंगे। ये देखिए इस तरीके से, जब हमारी ये बिल्कुल अच्छे से भुन जाएगी तब इसमें हम डालेंगे शिमला मिर्च 2 चम्मच। यहाँ पे मैं ग्रीन वाली इस्तेमाल कर रही हूँ, आप चाहे तो येलो रेड वाली का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और अब इसमें हम डालेंगे उबले हुए मटर, अगर आपके पास मटर ना हो तो आप इसको हटा भी सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने हल्का सा उबाल लिया है इसको 50% तक, ताकि अच्छे से इसके साथ कुक हो जाए। आप चाहे तो कच्चा मटर भी ले सकते हैं, या फिर आप इसकी जगह पे छोला भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से हमने मटर को भी 10 से 15 सेकंड अच्छे से भून लिया है। और अब इसमें हम डालेंगे प्याज, तो अगर आप प्याज नहीं खाते तो हटा सकते हैं। प्याज हमें ज़्यादा नहीं डालनी है, सिर्फ मीडियम साइज की प्याज डालनी है, जिसे हमें मोटा मोटा कर करके डालना है। चलिए आपको दिखा देते हैं। तो ये देखिए हमारी मीडियम साइज की प्याज है, जिसको मैंने इस तरह से मोटा मोटा कर लिया है। प्याज को हमें बहुत ज़्यादा काला नहीं करना है, इसीलिए हमने इस स्टेज पर डाला है, क्योंकि हमें प्याज को बिल्कुल लाइट सा पिंक कलर आने तक भूनना है। ये देखिए इस तरीके से। और अब इसमें हम डालेंगे हींग, तो हींग डालने से बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा। तो ये गई हमारी 1 चुटकी हींग, ज़्यादा हींग नहीं डालनी है। और हींग डालने के बाद इस तरह से मिक्स कर देंगे। और अब इसमें हम डालेंगे थोड़े से पत्ता गोभी, अगर आपके पास पत्ता गोभी ना हो तो आप इसकी जगह पे फूल गोभी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये गया हमारा पत्ता गोभी, जिसको मैंने इस तरह से लंबा लंबा मोटा मोटा कट कर लिया है। तो वेजिटेबल जो आपके पास हो आप डाल सकते हैं, आप गाजर वगैरह भी डाल सकते हैं, और जो ना हो उसको आप हटा सकते हैं। और अब इसमें हम डालेंगे बच्चों के फेवरेट आलू, तो यहाँ पे मैंने 2 मीडियम साइज के आलू लिए थे, जिसको बॉईल करने के बाद इस तरह से मैश कर लिया है। अगर कटोरी से बताऊँ तो एक छोटी कटोरी है मैश किया हुआ आलू, अगर आपका बड़ा आलू है तो आप सिर्फ 1 आलू डालना। तो अगर आप आलू नहीं डालना चाहते तो आप उसकी जगह पे पनीर डाल सकते हैं, या फिर सोया बड़ी को बॉईल करके मैश करके भी डाल सकते हैं, या फिर आप उसको हल्का सा पीस के भी डाल सकते हैं। तो यहाँ पे आलू को हमें 10 से 15 सेकंड अच्छे से भूनना है, ताकि आलू का जितना भी मॉइस्चर है वो खत्म हो जाए, और नमी हमें ज़रूर ख़त्म करनी है। और अब अपने नाश्ते को हम चटपटा बनाने के लिए इसमें 1/2 नींबू का रस डालेंगे। अगर आपके पास नींबू ना हो तो आप इसकी जगह पे चाट मसाला, या फिर ड्राई आम के पाउडर यानी खटाई का इस्तेमाल कर सकते हैं।
तो नींबू डालने से बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा। और अब इसमें हम डालेंगे नमक। तो अभी तक हमने इसके अंदर नमक नहीं डाला था, अब इस स्टेज पे हम इसमें डाल देंगे नमक। तो नमक आप जितना खाते हो उतना डाल दीजिए अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। थोड़ा सा टर्मरिक पाउडर यानी हल्दी, और थोड़ा सा हम इसमें डालेंगे काश्मीरी लाल मिर्च, जिससे बहुत ही अच्छा कलर आएगा। ये बिल्कुल भी तीखी नहीं होती है। और ये गई हमारी थोड़ी सी तीखेपन के लिए कुटी हुई लाल मिर्च। और थोड़ा सा हम इसमें एक चुटकी डालेंगे मोटी वाली सौंफ। अब सारी चीज़ों को हम अच्छे से भून लेंगे ताकि मसालों का कच्चापन निकल जाए, और मसाले अगर आपके कच्चे रहेंगे तो अच्छा टेस्ट नहीं आएगा। तो इसीलिए हमें मसालों को कंटिन्यू चलाते हुए धीमी धीमी आंच पर अच्छे से भूनना है, ताकि मसाले हमारी वेजिटेबल के साथ अच्छे से मिक्स भी हो जाए और कुक भी हो जाए। ये देखिए इस तरीके से हमने मसालों को अच्छे से भून लिया है, प्यारी सी खुशबू आने लगी है। और अब इसमें हम डालेंगे नाश्ते की जान हरा धनिया। तो यहाँ पे हरा धनिया को अच्छे से वॉश करने के बाद फैन के नीचे रख देना है। जब उसका सारा मॉइस्चर खत्म हो जाए तब उसको कद्दू से डालना है। और हरा धनिया डालने के बाद हमें ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये काला हो जाएगा तो अच्छा टेस्ट भी नहीं आएगा और लुक भी नहीं आएगा। तो यहाँ पे देखिए इसको आप चख लीजिए, आपको कुछ भी कम ज़्यादा लगे तो आप इस स्टेज पे ऐड कर सकते हैं। तो मैंने इसको चख लिया है, सारी चीज़ें परफेक्ट है, कुछ भी कम ज़्यादा नहीं है। अब गैस के फ्लेम को मैंने बंद कर दिया। अब इसको एक प्लेट में निकाल कर ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे, तब तक हम अपना दूसरा काम करेंगे, इसे साइड में रख देंगे। यहाँ पे एक बड़े साइज का बर्तन लिया, अब उसके अंदर हम इस तरीके से छन्ना रख देंगे। अगर आपके पास ये वाला छन्ना ना हो तो आप कपड़े का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, सूती वाले। अब इसके अंदर हम पोहे को ट्रांसफर कर देंगे, और पोहे में लगी होती है बहुत सारी धूल और मिट्टी, तो इसलिए हम पोहे को अच्छे से वॉश करेंगे। तो यहाँ पे मैंने पतले वाला लिया है, अगर आपके पास मोटा वाला है तो आपको इसको भिगोने में थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगेगा, लेकिन पतला वाला बहुत जल्दी फूल जाता है। तो पहले तो हम इसको अच्छे से वॉश करेंगे। तो 3 से 4 पानी अच्छे से वॉश कर लिया है, और पानी का कलर आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा चेंज हो गया है, ये देखिए। तो ये गंदा पानी हम फेंक देंगे और फिर पोहे को हम फूलने के लिए रखेंगे। अब देखिए पोहे को अच्छे से वॉश कर लिया है, अब हम क्या करेंगे इसको हम इस तरीके से ट्रांसफर कर देंगे। तो फ्रेंड देखिए इस तरीके से पोहे को ट्रांसफर करने के बाद अब इसमें हम 3 से 4 चम्मच पानी डाल देंगे, ज़्यादा पानी नहीं डालेंगे। बस इतना पानी डालना कि पोहा इसके ऊपर हल्का सा डूब जाए, बहुत ज़्यादा ऊपर तक पानी नहीं रखना है। अब इसको कवर करके हम रख देंगे 5 मिनट के लिए, ताकि पोहा हमारा अच्छे से फूल जाए। देखिए जो हमारा पोहा था ये अच्छे से फूल गया है, ये देखिए इस तरीके से जब हम छू रहे हैं तो बिल्कुल अच्छे से मैश हो रहा है, ये देखिए। और आपको ज़्यादा पानी नहीं डालना, नहीं तो ये गीला हो जाएगा, फिर आपको रेसिपी बनाने में दिक्कत होगी। और इस तरीके से सॉफ्ट होना चाहिए। अब हम क्या करेंगे इसके अंदर डालेंगे थोड़ी सी कुटी हुई लाल मिर्च, और अब इसके बाद ये वाला हम अपना मिश्रण इसके अंदर डाल देंगे। सारा का सारा बचाना बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि हमने इसी के हिसाब से बनाया था। आप चाहे तो ये वाला मसाला बना के स्टोर भी कर सकते हैं, और जब आपका मन हो आप निकाल के बना सकते हैं। ये 10 से 15 दिन तक बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा फ्रिज में। और अब इसमें हम डालेंगे एक चुटकी हींग। हींग नाश्ते को टेस्टी बनाने के साथ साथ पचाने का काम करेगी। थोड़ा सा हम इसमें डालेंगे टर्मरिक पाउडर यानी हल्दी, ज़्यादा हल्दी नहीं डालनी है। और टेस्ट के अकॉर्डिंग हम नमक डालेंगे, तो नमक हम थोड़ा ही डालेंगे, क्योंकि हमने मूंगफली को पीसते समय भी नमक डाला था। और अब इसमें हम डालेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़, वो क्या है आपको बताते हैं। अब इसमें हम डालेंगे 4 चम्मच बेसन, मोटा महीन जो भी बेसन हो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। सिर्फ 4 छोटा चम्मच डालना है, अगर बड़ा चम्मच है तो सिर्फ 2 चम्मच डालना है। और अब इसमें हम डालेंगे ऑयल, आप घी और बटर भी डाल सकते हैं। तो ये गया हमारा 1/2 टीस्पून तक ऑयल। अब इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा हरा धनिया, जिसको इस तरह से मोटा मोटा कट कर लिया है। हरा धनिया डालते समय ख्याल ये रखना है कि हरा धनिया में बिल्कुल ही पानी नहीं होना चाहिए। अब हम सारी चीज़ों को बिल्कुल अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हम इसके अंदर कोई भी गर्म मसाला नहीं ऐड कर रहे हैं, आप चाहे तो ऐड कर सकते हैं। और अब इसको हमने इस तरह से मिक्स कर लिया है। अब इसमें हम 3 कीड़े डालेंगे, थोड़ा सा हमने लिया है सफ़ेद तिल, थोड़ा सा हमने लिया है सरसों, और थोड़ा सा हमने लिया है जीरा। तीनों को हमने मिला के इस तरीके से 1 चम्मच बना लिया है, और इसको डालने से बहुत ही अच्छा लुक आएगा, ये देखिए। इस तरह से हमें इसको करके 2 मिनट के लिए छोड़ देना है, ताकि जो हमने बेसन डाला है वो बिल्कुल अच्छे से इसके अंदर समा जाए, यानी पोहे के साथ बिल्कुल अच्छे से मिक्स हो जाए। और 2 मिनट के बाद हम इसे चेक करेंगे। तो चलिए 2 मिनट के बाद मिलते हैं आपसे। फ्रेंड 5 मिनट हो चुका है, चलिए इसको खोल के देख लेते हैं। ये देखिए सारे फ्लेवर बिल्कुल अच्छे से मिल गए हैं। अब बनाने से पहले हम थोड़ा सा अपने हथेलियों पे ऑयल लगा लेंगे, आप घी और बटर भी लगा सकते हैं, क्योंकि पोहा और बेसन बिल्कुल हल्का सा चिपचिपा हो जाता है, तो हमें थोड़ा सा ऑयल जरूर अप्लाई करना है। यहाँ पे देखिए जो स्टफिंग थी बिल्कुल अच्छे से ठंडी हो चुकी है, अब इसको हम बनाना शुरू करेंगे। यहाँ पे हम थोड़ा सा इसका पोर्शन लेंगे, ये देखिए इस तरीके से नींबू के आकार का, और इसको हम इस तरह से हथेली पे लेके अच्छे से मसलेंगे, यानी इस तरह से गोल गोल करेंगे, और फिर हम इस तरह से फ्लैट कर देंगे,
ये देखिए। और यहाँ पे हम इसकी साइडों को हल्का हल्का सा पतला करेंगे, इस तरीके से घुमाते हुए इसकी कटोरी रेडी करेंगे, जिसको हमें बीच में मोटा रखना है और किनारों को पतला करना है। अब यहाँ पे हम स्टफिंग उठा के इसको इस तरह से हल्का सा शेप दे देंगे, ताकि इसको हमें फिल करने में कोई दिक्कत ना हो। और ये देखिए, इस तरह से हम रखते हुए इसको बिल्कुल अच्छे से बंद कर देंगे। ये देखिए, बहुत ही आसान रेसिपी है और आपको इसे खा के मज़ा आ जाएगा। और आप इसे इस तरीके से बना के लंबे समय तक स्टोर कर सकते हैं। ये देखिए, इस तरह से करने के बाद हल्का सा प्रेशर देते हुए इसको हम फ्लैट कर देंगे और साइडों को हम हल्का हल्का सा इस तरीके से टैप टैप कर देंगे। और अब हम अपनी हथेलियों को इस तरीके से चलाएंगे, ताकि जो स्टफिंग का मसाला है वो चारों तरफ बराबर से फैल जाए। ये देखिए, कितना खूबसूरत सा बनकर रेडी हो चुका है। तो इसी तरीके से हम बाकी बना लेते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। तो फ्रेंड देखिए, इस तरह से मैंने इसको बना लिया है। आप इस तरह से बना के इसे हवा बंद डिब्बे में भर के फ्रिज में लगा सकते हैं, जब आपका मन हो आप निकाल सकते हैं। आप इसे डीप फ्राई कर सकते हैं, सल्लो फ्राई कर सकते हैं, और ऐसे भी आप तावे पे इसे सेक सकते हैं। लेकिन मैं इसे बहुत ही ज़्यादा कुरकुरा और क्रिस्पी बनाना चाहती हूँ, उसके लिए मैं क्या करूँगी, उसके लिए मैं एक बड़े साइज का बर्तन ले लूँगी और अब इसके अंदर मैं डालूंगी 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर। अगर आपके पास कॉर्नफ्लोर ना हो तो आप इसकी जगह पर चावल का आटा भी ले सकते हैं, सिर्फ 2 टेबल स्पून डालना है। ये देखिए, और अब इसमें हम 1 चम्मच डालेंगे मैदा। इससे बहुत ही अच्छा कुरकुरा रास्ता तैयार होगा। अब इसमें हम थोड़ा सा डालेंगे कुटी हुई लाल मिर्च 1 से 2 चुटकी, और टेस्ट के अकॉर्डिंग हम इसमें डाल देंगे थोड़ा सा नमक। ये देखिए, 1 से 2 चुटकी नमक, बस ज़रा नमक नहीं जाएगा। और अब इसमें हम डालेंगे ऑयल, आप घी और बटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ऑयल डालने से काफ़ी ज़्यादा कुरकुरा बनेगा। ये हम सिर्फ डालेंगे 1/2 टीस्पून तक। और अब यहाँ पे हम लेंगे रूम टेम्परेचर का पानी, जो हम 2 से 3 चम्मच डाल के इसको अच्छे से पहले मिक्स करेंगे, ताकि इसमें गुठलियाँ ना पड़े। अगर आप एक साथ डाल देंगे तो इसमें गुठलियाँ पड़ जाएंगी। ये देखिए, अब इसमें हम 2 से 3 चम्मच पानी और डाल देंगे। और यहाँ पे हमें इसका एक पतला सा बैटर रेडी करना है, जो बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं होना चाहिए। ये देखिए, एकदम बिल्कुल पतला सा हो गया है। अब इसको हम 2 मिनट का टाइम देंगे, ताकि ये फूल जाए। अगर आपको ज़्यादा जल्दी है तो आप थोड़ा सा बेकिंग पाउडर या खाने वाला मीठा सोडा ऐड करके इसको फटाफट बना सकते हैं, लेकिन मुझे कोई जल्दबाजी नहीं, इसलिए मैं 2 मिनट का टाइम दूंगी, ताकि हमारा जो बैटर है वो अच्छे से फूल जाए। तो चलिए 2 मिनट के बाद इसे चेक करेंगे। फ्रेंड 2 मिनट हो चुका है, बैटर देखिए इस तरीके से हमारा हल्का सा गाढ़ा हो गया, अच्छे से फूल गया है। अब चलते हैं बनाने की प्रोसेस की तरफ। आ गए गैस की तरफ। यहाँ पे एक पैन लिया है, आप चाहे तो कढ़ाई भी ले सकते हैं, मैं इसे कम तेल में बना रही हूँ, आप चाहे तो इसे डीप फ्राई भी कर सकते हैं। तेल को बिल्कुल अच्छे से हाई फ्लेम पे गर्म कर लेंगे। जो भी बर्तन लीजिए, थोड़ा सा फैला हुआ, थोड़ा सा भारी लीजिए, और इस तरीके से हम तेल को चेक करेंगे। थोड़ा सा हथेली को ऊपर रखेंगे, अगर गर्माहट महसूस हो रही तो समझ जाइए तेल गर्म हो चुका है। और जब तेल गर्म हो गया तो इस तरीके से हम डाल के इसको 2 से 3 बार इस तरह से उलटेंगे पलटेंगे, ताकि इस पर अच्छे से लेयर लग जाए। और अब हम गैस के फ्लेम को बिल्कुल मीडियम कर देंगे और इस तरीके से अपने तैयार नाश्ते को इसके अंदर डालेंगे। और एक बार में हमें इतने डालने हैं जितने कि पलटने में दिक्कत ना हो। तो मैं सिर्फ 2 डालूंगी, क्योंकि मेरा पैन बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है। अगर आपका पैन बहुत ज़्यादा बड़ा है तो आप इसमें 3 से 4 डाल सकते हैं। और इस तरीके से आपको इसके ऊपर 1 से 2 बार कोटिंग करनी है घोल की। और ये जो घोल होगा, इसको आप फेंकना मत, आप इससे पकौड़े बना सकते हैं। अगर आपको इसकी रेसिपी चाहिए पकौड़े बनाने की, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, आपके साथ शेयर करेंगे। अब इसे आप मीडियम फ्लेम पर 2 मिनट तक पकने देंगे। यहाँ पे ख्याल ये रखना है कि हाई फ्लेम पर नहीं पकाना है, नहीं तो ये ऊपर से कलर पकड़ लेंगे लेकिन अंदर से क्रिस्पी नहीं बनेंगे। और अगर आप इसे लो फ्लेम पर पकाएंगे तो ये फटने का डर है, इसीलिए मीडियम फ्लेम पर पकाना है। तो चलिए 2 मिनट के बाद आपसे मिलते हैं, तब तक ये कुक हो जाएगा। फ्रेंड 2 मिनट हो चुका है इसको पकते हुए। अब चलिए इसको टर्न करके देख लेते हैं। ये देखिए, कितना प्यारा सा गोल्डन कलर आ चुका है, बहुत ज़्यादा इसको काला नहीं करना है। और इस तरीके से पलटने के बाद अब इसे दूसरे साइड भी 2 मिनट बनाएंगे, और गैस का फ्लेम मीडियम ही रखेंगे। टोटल इसको बनाने में 4 मिनट का टाइम लगेगा। तो चलिए 2 मिनट और पका लेते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। फ्रेंड 2 मिनट हो चुका है, चलिए इसको दूसरे साइड से भी चेक कर लेते हैं। ये देखिए, कितना प्यारा सा कलर आ चुका है, दोनों साइड से हमारे बिल्कुल अच्छे से क्रिस्पी हो चुके हैं। फ्रेंड देखिए, इस तरह से मैंने इसको फटाफट निकाल लिया, बाकी मैं बाद में बनाऊंगी। चलिए आपको इसका फाइनल रिजल्ट दिखा देते हैं। देख लीजिए, देखने में जितना ज्यादा खूबसूरत लग रहा है, खाने में ज्यादा क्रिस्पी है, और दोनों ही हमारे बहुत ही ज्यादा क्रिस्पी बने हैं, और अंदर से बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है। और स्टफिंग देख लीजिए, कितने बराबर से फिल है। और यहाँ पे आप इसे केचप के साथ खाएंगे तो आपको मज़ा आ जाएगा। कैसी लगी आपको हमारी मज़ेदार सी रेसिपी, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। इसके सामने आप समोसा और टिक्की को भूल जाएंगे। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होने के साथ साथ हेल्दी भी है, लाइट वेट भी है। और यहाँ पे ये देखिए, इस तरीके से मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ स्टफिंग कितने बराबर से फिल है। ये देखिए, इस तरीके से जब ये बिल्कुल अलग हो जाता है बीच से, तो समझ जाइए बिल्कुल अच्छे से कुक हो गया है। ऊपर से क्रिस्पी है और अंदर से बिल्कुल सॉफ्ट है, फ्लफी है।
आप इसे बच्चों के टिफिन बॉक्स में और पति के लंच बॉक्स भी दे सकते हैं। इस समय गर्मियों की छुट्टी चल रही है तो आप इसे मेहमानों को बना के खिला के उनका दिल जीत सकते हैं। तो कैसी लगी आपको हमारी मजेदार सी रेसिपी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। रेसिपी में कुछ भी अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, साथ ही नोटिफिकेशन बेल को ऑन करना ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन मिल पाए सबसे पहले और आप हमारी आसान रेसिपी का फायदा उठा पाए सबसे पहले। तो काफी ज्यादा जल रहा है तो चलिए मैं चलती हूँ एंजॉय करने। आप भी बनाइए, खाइए, अपनी राय हमें कमेंट के जरिए लिखना मत भूलना। लव यू ऑल, बाय, टेक केयर।